हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कामनी मौर्य और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साउथ कैंपस के उन कॉलेजेस के बारे में जहां पर आप लोग डेफिनेटली अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। उन कट ऑफ क्राइटेरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, उन कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे, एक्सपेक्टेड कि कितनी साउथ कैंपस की कट ऑफ जा सकती है और आप लोग कैसे अपनी सीट जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दोज कॉलेजेस एज वेल। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगा कि कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है डीयू के अंदर। सो सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो डीयू का एडमिशन क्राइटेरिया है वो क्या है, और साउथ कैंपस जो भी लोग अवेयर नहीं है साउथ कैंपस से, सो साउथ कैंपस इज बेसिकली वो कैंपस है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर वाले कॉलेजेस को तो कवर नहीं करता है, बट जस्ट हैं जो कवर करता है, जैसे कि वेंकटेश्वर कॉलेज है आपका, रामलाल आनंद कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, एंड देर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस विच कम्स अंडर साउथ कैंपस। तो आप लोग इन कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, तो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इफ यू बिलोंग टू अनरिजर्व कैटेगरी एंड दैट इज योर जनरल कैटेगरी, देन यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 96% इन योर 12th स्टैंडर्ड। आपके अगर 96% है तो फर्स्ट कट ऑफ में आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका एडमिशन साउथ कैंपस में फॉर श्योर हो जाए। देन उसके बाद अगर आप लोग ओबीसी क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं आप लोग, देन यू मस्ट हैव योर 94% इन योर 12th स्टैंडर्ड, देन आप लोग अच्छी खासी सीट जो है वो सिक्योर कर सकते हैं अच्छे कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के किसी कॉलेज में। देन उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है विच इज ऑलमोस्ट सेम होता है जनरल कैटेगरी के, बट इसकी जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी हाई रहती है। सो इसमें आपकी 95% आपको ईडब्ल्यूएस में स्कोर अगर आपने की है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, देन आप लोगों को साउथ कैंपस में जरूर एडमिशन मिल जाएगा। देन इसके बाद आया आपका SC ST, दैट इज योर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अगर आप लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन आपकी 93% भी अगर 12th में आई है तो आपको फर्स्ट कट ऑफ या फिर जहां तक सेकेंड कट ऑफ में फॉर श्योर आपको एडमिशन जरूर मिल जाएगा। देन इसके बाद है आप लोग अगर कश्मीरी माइग्रेंट है, अगर आप लोग कश्मीर से बिलोंग करते हैं, देन 93 point something अगर आपकी कट ऑफ है, फर्स्ट कट ऑफ अगर आपकी 93 point something आई है या फिर 94 something आई है, देन डेफिनेटली आपको एडमिशन जरूर मिल जाएगा। अब इसके बाद आती है आपकी, सपोज आप लोगों को फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन नहीं मिलता है, देन आपको सेकेंड कट ऑफ में एडमिशन मिलता है जाकर, या फिर थर्ड कट ऑफ तक जो जनरल की मोस्ट प्रोबेबली जो सीट्स हैं वो क्लोज नहीं होती हैं, देन आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड कट ऑफ के अंदर ही अंदर आपको एडमिशन जरूर मिल जाएगा अगर आपको एडमिशन मिलना है, इफ यू बिलोंग टू ऑल दीज कैटेगरीज जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। देन फर्स्ट कट ऑफ में अगर आपका नहीं होता है तो सेकेंड कट ऑफ में फॉर श्योर हो जाएगा या फिर थर्ड कट ऑफ में फॉर श्योर हो जाएगा आपके एडमिशन, बट यू नीड टू वेट फॉर द रेस्ट ऑफ द कट ऑफ जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है। बट आपको अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है देन डेफिनेटली यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि आपको सिक्योर कर लेनी है अपनी सीट, क्योंकि अगर आप लोग अपनी सीट सिक्योर नहीं करते हैं, आप लोग छोड़ देते हैं, आप लोग नेक्स्ट कट ऑफ का वेट करते हैं, देन डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि कोई इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं होती है कि आपको पक्का या फिर कोई भी ऐसे चांसेस नहीं होते हैं कि आपको डेफिनेटली अगली कट ऑफ में आपको सीट मिल जाएगी। देन अगर आपके पास कोई कॉलेज आता है, आपको लगता है कि ये कॉलेज मेरे लिए अच्छा है और उसमें किसी अच्छे कोर्स में, या फिर आपको लगता है कि ये अच्छा कॉलेज है और इसके अकॉर्डिंगली आप लोग एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली आप लोग एडमिशन ले लेना। अदरवाइज अगर आप लोग उसको छोड़ते हैं देन नेक्स्ट कट ऑफ का वेट करते हैं तो वो भी आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसमें आप लोग अपनी सीट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सो अगर आपका एडमिशन नहीं होता है फर्स्ट कट ऑफ में, देन कट ऑफ गिरती भी हैं, सेकेंड कट ऑफ में गिरेगी, थर्ड कट ऑफ में गिरेगी, हालांकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गिरती हैं, पॉइंट समथिंग से आपका एडमिशन हो जाता है और पॉइंट समथिंग से ही आपका एडमिशन रह भी जाता है। सो आप लोग कम से कम थर्ड फोर्थ कट ऑफ तक भी अगर आप लोग देखेंगे तो आपको ठीक ठाक कट ऑफ दिख जाएगी, एंड अगर आपको उनमें कोई भी कॉलेज बेटर दिखता है तो आप लोग एडमिशन ले लेना। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन सिमिलर टॉपिक जिसमें कि मैं लो कट ऑफ पे बात करूंगी कि कौन से कॉलेजेस हैं और कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है लो कट ऑफ के अंदर। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही में आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं फॉर ऑल दोज पीपल जो कि अवेयर नहीं है व्हाट इज साउथ कैंपस और व्हाट इज नॉर्थ कैंपस और क्या कट ऑफ्स हो सकती हैं, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी अप ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।